28 अक्टूबर आज थर्ड पेपर हो गया बीएड फर्स्ट ईयर वालों का। आइए एक बार रिव्यू करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसा था पेपर, टफ था या इजी था। तो जैसा कि मैं क्वेश्चंस को देख पा रहा हूँ, ये उतना आसान नहीं कह सकते हो, इस हम इसे आसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए पेपर कैसे पूछा गया था। सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी में कठोर शिल्प उपागम हार्डवेयर अप्रोच एज यूजुअल कॉमन क्वेश्चन। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकताओं का उल्लेख करिए, ठीक है, क्यों क्यों जरूरी है शैक्षिक तकनीकी। तो ये सब चीज़ें और अनुदेशनात्मक अभिकल्प यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मतलब मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। Why do you stand from the reflective level of teaching? प्रवर्ती स्तर, ये लेवल से क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था। और क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, अभिक्रमित अनुदेशन की संकल्पना, सिंपल सी बात है। सहभागी शिक्षण यानी कि पार्टिसिपेटिव टीचिंग मेथड के बारे में पूछा था। और वाई द कंप्यूटर आर नीडेड, कंप्यूटर क्यों जरूरी है शिक्षण के लिए। ई लर्निंग और भाषा प्रयोगशाला, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था। भाषा प्रयोगशाला मतलब लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होता है। और रोल ऑफ टेलीविजन इन द प्रोग्राम ऑफ लर्निंग, टीवी का क्या रोल है। तो जैसे कि जनरल क्वेश्चन की बात करें, टीवी का रोल, ई लर्निंग, कंप्यूटर क्यों जरूरी है, शैक्षिक तकनीकी क्यों जरूरी है, कुटीर शिल्प उपागम क्या है, अनुदेशन तकनीकी, तो जनरल क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए थे। बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, शैक्षिक तकनीकी के अर्थ की विवेचना एवं शैक्षिक तकनीकी उपागमों का परीक्षण यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और इसकी अर्थ पूछा था। उम्मीद है सारे बच्चों ने अर्थ इसका खूब लिखा होगा। इसी का अथवा जो सवाल था सेक्शन बी में, जो अथवा में पूछा था, वो यही पूछा था कि शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन करिए, सेम चीज़, और शिक्षण में कौन सा स्तर अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्यों। मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने यही क्वेश्चन किया होगा, उसके उपागम और इनके शैक्षिक तकनीकी के अर्थ के बारे में। और तीसरे में जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, शिक्षण के प्रतिमान यानी कि मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन हाँ उसमें आपको कहा जरूर था कि आप पढ़ लीजिएगा जरूर। तो मॉडल ऑफ टीचिंग आया था, और व्हाई टीचिंग स्किल्स आर नेसेसरी, ये तो जनरल सा क्वेश्चन है ना कि क्यों शिक्षक के लिए टीचिंग स्किल जरूरी है। और इसके एनी टू फंक्शंस के बारे में बात करना था। और डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ बेसिक ऑफ टीचिंग मॉडल, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान की संकल्पना प्रक्रिया का वर्णन करिए। तो ये दो क्वेश्चंस, एक यहाँ से मॉडल से आया था और यहाँ से टीचिंग मॉडल से आया था, दो क्वेश्चंस, और यहाँ पे एक स्किल्स के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डिस्कस द यूटिलिटी मतलब संकल्पना संप्रित प्रतिमान, ठीक है, दो जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तीन और क्वेश्चन चार, वो इसी से पूछे गए थे। पांचवा तो बिल्कुल वही रिपीटेड क्वेश्चन कि ICT ने कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, अक्सर कभी यहाँ पे कंप्यूटर पूछता है, कभी ई लर्निंग पूछता है, आज यहाँ पे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पूछा था। और ब्लेंडेड लर्निंग मिश्रित अध्ययन आपको बताया गया था, ठीक है, ये भी पूछा गया था। और लास्ट में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्ले अ वेटर रोल्स, इसके बारे में व्याख्या करना था, डिस्कस करना था। तो ये काफ़ी जनरल सा क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ICT, ब्लेंडेड लर्निंग, और ये तो इजीली लिखा जा सकता है। जो सेक्शन सी था, मैं मानता हूँ सेक्शन सी काफ़ी टफ एक वजह से हो गया था, जैसे इसमें अथवा कर दिया था। आप यहाँ पे देखेंगे सेक्शन सी में, तो यहाँ पे अथवा शब्द का यूज़ कर दिया था, जो कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ बना देता है। एक्चुअल में क्या था, पहले कि 7, 8 और 9, 10 करके पूछे जाते थे, उसमें चार में से कोई दो करना होता था, मगर इस बार 7 और 8 कर दिया था और बीच में अथवा लगा दिया था, मतलब आपको ऑप्शन कम कर दिए थे, इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक, तो इस हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया था इस वजह से, वरना ऐसे कोई क्वेश्चन था नहीं। देखिए शैक्षिक तकनीकों के प्रकार का वर्णन करना था, ओके, और नेक्स्ट क्या था दोस्तों, नेक्स्ट था आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल टीचिंग, शिक्षण के स्तरों के वर्णन, और शिक्षक एवं अधिगम के अंतर्जल मतलब इंटरनेट की भूमिका, ये आपको लिखना था दोस्तों। नेक्स्ट था दोस्तों क्या था कि शिक्षण में इंटरनेट का यूज़ क्या, लर्निंग में और शिक्षक में क्या इंटरनेट का इस्तेमाल है। और CIT और IGNOU के बारे में पूछा गया था, मैंने IGNOU के बारे में बताया था, साथ ही साथ UCG के बारे में बताया था, लेकिन इसमें CIT कहा था, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको रखा था कि CIT आप जरूर पढ़िएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चंस, उम्मीद है आपने सब अच्छा किया होगा। बहुत आसान नहीं कहेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट को, क्योंकि बड़ा टेक्निकल टाइप्स के क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन हाँ रिपीटेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आपका पेपर, कितने क्वेश्चंस किए आपने, कहीं क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कैसा रहा पेपर आपका, और क्या कैसा रहा पेपर आपका, इसी था या नहीं, ओके। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से आप लिख के आ गए होंगे। और जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो से देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।